उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाली। केंद्र सरकार की पहल के बाद देश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए बैंकों से इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत सस्ते लोन मिलेंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर लोगों को तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाली बीमारियों और उनके उपचार की दी गई जानकारी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष प्रदेश में 50 लाख फलदार पौधे लगाए जाएंगे। नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने महादलितों के बीच जाकर खाद्यान्न, साड़ी, सैनिटाइजर का किया वितरण। पश्चिम चंपारण जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच सैनिटाइजर, साबुन और खाद्यान्न सामग्री वितरित की। पटना में दीनदयाल कोविड सेवा दल की ओर से गरीब और असहाय लोगों के बीच भोजन सहित मास्क और सैनिटाइजर का किया गया वितरण। मुजफ्फरपुर में मारवाड़ी युवा मंच सहित कई सामाजिक संगठने एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर सहित कई राहत सामग्रियों के माध्यम से लोगों की कर रही हैं मदद। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में पूर्णिया के रास्ते 13 जून को मॉनसून पहुंचने की संभावना है। खगड़िया जिले में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रखंड मंत्री अशोक सहनी के अपहरण मामले में पुलिस विशेष टीम बनाकर कर रही है जांच। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि 8 जून तक बढ़ी, व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट देने की घोषणा। राज्य में कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों को प्रति माह मिलेगी 1500 रुपए की सहायता राशि।